खुशनुमा माहौल में जी रहे होंगे, अपने घर पर या प्रयागराज में या कहीं भी आप एक विद्यार्थी जीवन के रूप में 2 घंटे का समय बहुत अच्छे से उपयोग करते होंगे, पूरा विश्वास है हमें, पूरी आशा है। लेकिन फिर मैं वही अपनी बात दोहराना चाहूँगा, यदि आप पूरे मनोयोग से नहीं जुड़े हैं, पूरे भाव से नहीं जुड़े हैं, तो चीज़ें वैसे नहीं स्थापित होंगे। कुछ विद्यार्थी जुड़े। सुप्रभात, सुप्रभात सभी को। वंदना जी, देखिए कौन कौन से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। रागनी माही, क्लास चालू हुआ क्या? हाँ रागनी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है। वंदना जी ठीक है, सुप्रभात, प्रणाम हरशंकर जी। हाँ सुदीप, सुप्रभात। हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? हमारी आवाज़, चित्र, हर बिंदु यदि आप तक पहुँच रहा है। हाँ हेलो ज्योति जी, स्मृति बिल्कुल, सुप्रभात, सुप्रभात। मनीष जी, संजीव कुमार प्रणाम। हमारी आवाज़, हर बातें, चित्र, वीडियो अच्छे से पहुंच रहा है आप तक कि नहीं, एक बार आप लिख लेंगे जल्दी से। बिल्कुल बबली जी, कीर्ति जी, दीप्ति, लक्ष्मी, शिखा जी, सबका स्वागत है। सभी लोग जुड़ें, अच्छे से आनंदित हों। एक बार आप लिख दें। गुड मॉर्निंग रागनी जी, संजय यादव जी बिल्कुल प्रणाम, कीर्ति जी, जी सर आवाज़ आ रही है सर, ठीक है ठीक है, सब स्पष्ट है, ठीक है प्रणाम, विकास जी प्रणाम, ठीक है। सभी लोगों का स्वागत है। आज संभवतः आप आज कुछ, प्रदीप शर्मा जी, मनीष जी हाँ सर ठीक है, दीप्ति जी हाँ सर आ रही है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, सब अच्छा है। आज आप लोग कुछ, हमें लगता है आलस में आ गए थे कि सर विलम्ब से शुरू करेंगे। नहीं, ठीक 8 बजे का ही समय है। सामान्यतः मैं तो कभी नहीं इस तरह से कोशिश करता हूँ, या कभी भी चाहे अनचाहे भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि मैं विलम्ब से आऊँ, लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं, कभी 2-4-5 मिनट का विलम्ब हो जाता है, बाकी चीज़ें समयानुसार ही चलने की कोशिश होती है। हम भी चाहते हैं कि समयानुसार ही हर बिंदु, हर कार्य हो, ठीक है। जितेन जी, विभा जी, सबका स्वागत है। सभी लोग जुड़ें, आनंदित हों, व्यवस्थित हों। लाइव कक्षा का कुछ विशेष आनंद होता है। यदि आप लाइव कक्षा के साथ जुड़ते हैं तो कुछ विशेष होता है, कुछ विशेष आनंद होता है। लेकिन यदि आप लाइव कक्षा का आनंद नहीं लेते हैं, लाइव कक्षा से पूर्णतः नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में आप अपने चित्र को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, कक्षा बाद में लेते हैं आप, तो वैसा आनंद नहीं स्थापित हो पाता है, यह लगभग माना जाता है और ऐसा होता भी है। प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, सुप्रभात सभी को। लगभग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। चलिए हम आगे के प्रश्नों पर अपने बढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे की तरफ। महेश जी बिल्कुल, सुप्रभात, शुभाशीष, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार दुलार आप लोगों को। सभी लोग आनंदित रहें, प्रश्नचित रहें, खूब अपने भाव को जी पाएं, जल्दी जल्दी सभी लोग सफल हो जाएं, यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। आप लोग सकुशल रहें, मंगल से रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे जीवन को जिएं। ठीक है, कल जब हम भारतीय दर्शन आपको पढ़ाए बताए, भारतीय दर्शन में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वह मुझसे बात कर ले पुनः एक बार। सूरज जी हाँ पहुँच रही है, ठीक है, बढ़िया है। किसी को कोई प्रश्न यदि समस्याजनक लग रहा हो तो आप हमसे बात कर लें। मैं पुनः, अमन जी बिल्कुल स्वागत है, मैं पुनः आपके हर प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। इंद्रजीत जी बिल्कुल स्वागत है, ठीक है, अच्छा है, सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, किसी को यदि समस्या हो तो जल्दी से वो हमसे बात कर लें, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि चीज़ों को आगे लेकर। बिल्कुल अवध जी स्वागत है, सभी लोग जुड़ जाएं। बताएं किसी को क्या कोई दिक्कत आ रही है, प्रश्नों में कोई समस्या है पिछली कक्षा को लेकर। किसी विद्यार्थी ने कल मुझसे अंतिम समय में कोई प्रश्न पूछा था कक्षा छोड़ते ही, जिसको मैं कहा कि नहीं मैं कल बताऊंगा, अब इस चीज़ को समय हो चुका है हमारा, तो आप जल्दी से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा।
नहीं तो मैं अपने एक प्रश्न को आपको स्वयं बता देता हूं। हाँ इंदु जी, संभवतः कल इंदु जी का ही एक प्रश्न था कि सर द्वैतावाद, द्वैतवाद जो है, जो द्वैतवाद है, इसमें आपने कुछ विचार बताया था कि कैसे हम चीजों को यहाँ समझें। तो चलिए मैं उन चारों विचारों को पुनः लिख देता हूँ, आप देखें जाने समझें। जिसमें था सामीप्य, सामीप्य, सा हाँ द्वैताद्वैत, एक बार स्मृत जी ठीक है मैं तुरंत बताता हूँ, द्वैताद्वैत भी बताता हूँ स्मृत जी। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। इंदु जी का कहना था कि सर एक बार द्वैता द्वैतवाद में यह बता दीजिए। स्मृत जी मैं जरूर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल द्वैता द्वैत को मैं बता रहा हूँ। कुलदीप जी, गीता जी, सीमा जी, बिल्कुल रागनी जी, सर मेरा पीएचडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन बताएं जिसमें मेरी हेल्प हो सके। रागनी जी आप व्यक्तिगत बात करिएगा, मैं आपसे तब वार्तालाप करूंगा। मुझे आपका मैसेज भी मिला था वीडियो का। पीएचडी में, पीएचडी के एग्ज़ाम की बिल्कुल अलग विशेषताएं होती हैं, कंपटीशन के बिल्कुल अलग होती हैं। पीएचडी में फिर भी आपका क्या है, प्री पीएचडी का एग्ज़ाम होने वाला है कि आपका फाइनल अवार्ड होने वाला है, ये सब बहुत सी बातें अभी आपकी बचती हैं जिस पर आप हमसे खूब चर्चा जब करेंगे तब मैं आपको बता पाऊँगा। आप 11 बजे के आसपास फ़ोन करिएगा, मैं आपको सारी बातें पहले समझूंगा आपकी कि आपकी समस्या क्या है, आपको प्री पीएचडी का एग्ज़ाम देना है कि पीएचडी का मेन अवार्डेड एग्ज़ाम देना है, क्या करना है और उसका आपका टॉपिक क्या है। अगर मान लीजिए आपका अवार्ड हो रहा है तो आपका टॉपिक क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर नहीं क्लियर हो पाएंगे। हम आपको यहाँ पर कुछ अपने विषय चीज़ों को लेकर चलते हैं। विषय चीज़ों से मेरा तात्पर्य है कि हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके कंपटीशन में अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए अभी हमारी मजबूरी है कि मैं रागनी जी आपको नहीं बता सकता, ठीक है। और पीएचडी का कभी कभी इंट्रेंस होता है तो आप किन बातों को कर रही हैं, इंट्रेंस को कह रही हैं कि प्री पीएचडी को कह रही हैं कि पीएचडी अवार्ड के एग्ज़ाम को कह रही हैं, मैं सब कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप हमसे बात करिएगा, सारी चीज़ों को बताइएगा, तब मैं आपकी समस्या का हल करूँगा, ठीक है। अमृत सरोज, पापा, ये पापा क्या है भैया अमृत जी। हाँ द्वैतवाद, चलिए देखें, द्वैतवाद ब्रह्म दो है इसकी कोई चर्चा नहीं की जाती है। जीव, फिर मैं आपको वही लेकर चलना चाहता हूं, जीव और ब्रह्म, एक जीव है दूसरा क्या है ब्रह्म, जीव और ब्रह्म दो है। वरुण जी बिल्कुल स्वागत है, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल प्रतिभा जी बिल्कुल स्वागत है, अमृत जी बिल्कुल प्रणाम। जीव और ब्रह्म दो हैं, यह द्वैतवाद, चाहे आप इसको कह सकते हैं आत्मा या दूसरे को हम क्या कह सकते हैं परमात्मा, आत्मा या परमात्मा दो हैं, आत्मा या परमात्मा, जीव या ब्रह्म, चाहे जो आप कहें, द्वैत है, द्वैत हैं, दो हैं, जिसको आप देखते हैं कहते हैं कि मध्वाचार्य जी ने यह मत दिया। मध्वाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दो हैं और क्या आत्मा और परमात्मा दो हैं। तो आप एक बार सामीप्य, तो कैसे यह आत्मा या जीव इस ब्रह्म या परमात्मा तक पहुंचे, उसके चार मार्ग बताए गए हैं। विपिन जी बिल्कुल स्वागत है इसके चार, विजय जी बिल्कुल सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, बिल्कुल चार मार्ग बताए गए हैं, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। यह जब दो हो गया ब्रह्म और जीव अर्थात आत्मा और परमात्मा जब दो है, तो कैसे हम इन दो को लेकर कैसे एक करें, कैसे आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दें, कैसे जीव को ब्रह्म तक पहुंचा दें, इसके ये चार मार्ग कहे गए हैं। कौन से चार मार्ग हैं, अब इसको देखें। सामीप्य, सामीप्य कहता है उसके समीप चले जाएं, आप उस ब्रह्म के समीप हो लें, उस ब्रह्म के निकट पहुंचे,
सामीप समीप शब्द से बना हुआ है। तो आप उस ब्रह्म के समीप पहुंचे। हाँ, द्वैता द्वैतवाद पढ़ा रहे हैं सर। नहीं, मैं द्वैत की बात कर रहा हूं भाई, द्वैता द्वैतवाद नहीं सुधा जी। ठीक है, द्वैता द्वैत के ही चारों स्वरूप तो बताए। हाँ ठीक है, मैंने द्वैता द्वैत, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, द्वैता द्वैत के ही स्वरूप को इन्होंने पूछा था मुझसे। ठीक है, गलत निकल गया, बिल्कुल मैंने यहाँ गलत लिख दिया द्वैतवाद। हाँ बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत, हाँ इसी को इन्होंने पूछा था। चार मार्गों को थोड़ा सा अच्छे से बताइएगा ग्रेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यातव्य क्या है सर? सर ये चारों मार्ग द्वैता द्वैत का है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है, अभी सही हो गया। ठीक है सुधा जी, बिल्कुल मैं समझ गया आप लोगों के, गिरीश जी बिल्कुल प्रश्नों को समझ गया। कल इसी को बता रही थी इंदु जी, मुझसे कही थे कि सर इसको एक बार फिर से आप बता दीजिएगा चारों मार्गों को। मेरे दिमाग से गलती से वो लिख दिया गया। ठीक है, और कुछ ऐसा स्वरूप नहीं है, ठीक है, बाकी और कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, वो गलती से लिख दिया गया। चलिए, तो आप ब्रह्म के समीप चले जाएं और क्या कर दें, सालोक के उस लोक में चले जाएं, आप सीधे ब्रह्म के लोक में पहुंच जाएं, सारूप्य उसके रूप को ग्रहण कर लें, उस ब्रह्म के रूप को ग्रहण कर लें आप। सायुज, सायुज का अर्थ होता है योग कर लेना, योग, युज क्या है, योग कर लेना, उस ब्रह्म में एकाकार हो जाना ही सायुज है। तो इन्हीं को शायद आपने पूछा था इंदु जी, तो यह चारों मार्ग मैंने फिर से बता दिया। क्या आप लोगों को समझ में आया? अभी स्मृत जी का कोई एक प्रश्न था, स्मृत जी एक बार फिर से प्रश्न को लिख दें, आपका वो आगे बढ़ गया है, मैं उसको भी बता दूं आपको, फिर आगे बढ़ जाऊं। आशा है कि समझ में आया होगा आपको, द्वैता द्वैत के जो ये चार मार्ग हैं, इन सारे बिंदुओं को आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया, जो आपसे साधारणतः पूछा जाता है। एक बार स्मृत जी जल्दी से लिख दें आप अपने प्रश्न को, मैं उसको भी बता दूं, पुनः आगे बढ़ जाऊं। आज हम आपको कुछ पाश्चात्य के बिंदुओं को भी बता देंगे, पाश्चात्य के जो साक्षात्कार में आपसे पूछे जाते हैं उसको भी। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है जी। जल्दी से स्मृत जी आप अपने प्रश्न को लिखिए, मैं एक बार उसको दोहरा दूं। आप जो पूछ रही थी शायद यही, आप द्वैता द्वैत ही पूछ रही थी, तो आप इस बिंदु को पूरा देख चुकी हैं, इसके चारों मार्ग, प्रणाम। ठीक है, द्वैता द्वैत को आप शायद पूछ रही थी, अगज पूछ रहे थे, तो आपका स्वरूप हल हो गया है। अगर यह प्रश्न नहीं था, कोई दूसरा था, चूंकि आपका कमेंट आगे बढ़ चुका है कथन, तो उसको मैं दोबारा नहीं देख सकता जी सर। ठीक है ठीक है, अच्छा है ठीक है। यदि आपको अगर कोई और समस्या है तो आप बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं हम लोग। आज कुछ हम पाश्चात्य के प्रश्नों को आपको बताएंगे यहाँ पर, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो आपसे किया जा सकता है, जो आपसे जाना जा सकता है, आपके साक्षात्कार में भी, लिखित परीक्षा में भी। चूंकि अगर दर्शन पक्ष की बात हो रही है तो मैं वहां भी थोड़ा सा आगे बढ़ दूं, चूंकि ये तो भारतीय दर्शन है। वरुण जी, एक वाक्य में क्या अर्थ होगा, किस चीज का एक वाक्य, थोड़ा चारों पर प्रकाश डाल दीजिए। मनीष जी, चारों पर प्रकाश तो कोई बताने के लिए इसमें सर, द्वैता द्वैत कोई दोबारा बताने के लिए। हाँ ठीक है, मैंने आपको बता दिया द्वैता द्वैत को। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, इसके चार मार्ग हैं। क्या मार्ग है? सामीप्य, समीप आ जाना। चारों मार्गों को एक बार फिर से देखिए, अच्छा स्मृत जी और मनीष जी, सामीप्य, सामीप्य कहता है कि ब्रह्म के समीप आ जाए, जिसका अर्थ सामीप्य का क्या है, समीप या निकट, सामीप्य ब्रह्म के समीप आ जाए। दूसरा क्या कहता है, सारूप्य, सारूप्य, सारूप्य का अर्थ होता है उसके रूप को ग्रहण कर लेना, सारूप्य आ गया सर। ठीक है बढ़िया है, सामीप्य समीप आ जाना, सारूप्य उसके रूप को ग्रहण कर लेना, और एक होता है सायुज, सायुज, सायुज कहता है कि उसके स्वरूप में यह योग करना। योग करने से क्या तात्पर्य है, योग करने से तात्पर्य है जुड़ जाना, मिल जाना, योग कर लेना,
यहाँ पर देखिए योग कर लेना, इसी को कहीं ना कहीं कैवल्य भी कहते हैं। और कब द्वैत से अद्वैत होगा, द्वैत से अद्वैत नहीं चारों मार्गों से होता है। और एक है सालोक्य, सालोक्य, सालोक्य का अर्थ हो गया उसके लोक को ग्रहण कर लेना, लोक से तात्पर्य है उस संसार को भी प्राप्त कर लेना। ये चार मार्ग बताए गए हैं कि द्वैत से जब ब्रह्म द्वैत हो गया, दो हो गया, तो अद्वैत कैसे होगा, यही द्वैताद्वैतवाद ही था। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया इस मज्जी। तो ये चारों मार्ग से अद्वैत हो सकता है, जीव ब्रह्म में मिल सकता है, जीव ब्रह्म का एकाकार कर सकता है, वह ब्रह्म के रूप में परमात्मा के रूप में पहुंच सकता है, यही स्वरूप था चारों आपका। ठीक है, सबको समझ में आया, आशा है कि सबको आया होगा। ठीक है आकांक्षा जी, सबका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम कुछ पाश्चात्य के बिंदुओं को लेकर चलते हैं आपके पास तक। हाँ, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, आप देखिए सभी लोग देखेंगे पाश्चात्य के बिंदुओं को। पाश्चात्य का कौन सा कैसा बिंदु, कुछ सिद्धांतों को हम आपको बताने वाले हैं पाश्चात्य के, जिनमें पहला सिद्धांत हम आपको बताएंगे विरेचन का सिद्धांत। विरेचन का सिद्धांत जो आपके साक्षात्कार के लिए, बिल्कुल ओम जी स्वागत है, विरेचन का सिद्धांत है यह। अब विरेचन का सिद्धांत क्या है, मैं इसको आपको बताता हूं। आप सभी लोग जानते हैं किसका सिद्धांत है, इत्यादि इत्यादि बातों को तो खूब अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो लिख दीजिए एक बार आप विरेचन का सिद्धांत क्या है। तब तक मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं, तब तक मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप मौखिक खुद सुन लीजिए, यदि आपको लगता है कि चीजें समझ में आ गई तब आप नोट डाउन करिएगा, तब बातों को और आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो नहीं बढ़ाएंगे हम बातों को। चलिए, विरेचन क्या है, विरेचन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत, साहित्य कैसे हमारे सामने आता है, इसकी हम बात करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसका सिद्धांत है, फिर मैं आगे बता ही रहा हूं आप लोगों को। साहित्य के बारे में, साहित्य में कहा गया कि साहित्य कैसे लिखा जाए, कैसे सामने आए। भाई आपके भारतीय काव्य शास्त्र में तो कह दिया शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामा की एक परिभाषा आती है जिसके अंतर्गत सारी सारी परिभाषाएं आकर सिमट जाती हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम में। अर्थात यदि कोई शब्द अर्थ के साथ है, अपने भाव के साथ है, तो वही काव्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसके अंतर्गत सारी परिभाषाएं आ जाती हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने एक सुर में लिख दिया कि यह किसका सिद्धांत है, अरस्तु का सिद्धांत है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अच्छी बात है। जो पाश्चात्य से आपको बहुत डर लगता है, आज मैं एक झलकी केवल दूंगा आपको, बाकी चीजें तो जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारा चलेगा तो हम आपको वहां जोर देकर बताएंगे, समझाएंगे, कराएंगे, याद कराएंगे आपको। लेकिन यहां सूक्ष्म चीजों को जो आप बहुत डरते हैं, याद करते हैं, बार बार रट जाते हैं, भूल जाते हैं, आज मैं उसको इस तरह से आपको बता दूंगा कि आशा है कि शायद फिर कभी भूले। और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। वाह बहुत बढ़िया, ठीक है साहिल जी, अरस्तु। साहिल जी आप कब से साहित्य पढ़ने लगे, आप तो सामान्य हिंदी पढ़ते थे, आप केवल पढ़ते थे वनडे एग्जाम के लिए, शायद ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, लेकिन अब आप पता नहीं कैसे साहित्य में अच्छी पकड़ आपकी बन रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, समझिए, जानिए, अरस्तु ने जो विरेचन का सिद्धांत दिया, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं यहां पर विरेचन है क्या। अरस्तु, ठीक है, मैं समझ गया, सबकी बातें समझ गया। अरस्तु साहब ने जब विरेचन का यह सिद्धांत दिया तो उन्होंने कहा, अच्छे से सभी लोग समझेंगे, अब उधर नहीं ज्यादा परेशान होंगे, मैं समझ गया, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं इसलिए उत्तर ले लेता हूं थोड़ा बहुत आपसे। अरस्तु साहब ने कहा कि जैसे आपके शरीर में विकार हो जाए, विष हो जाए तो हम विरेचन करवाते हैं उसका। विरेचन का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टी, उल्टी करना। जो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, देखिए विषैला हो जाता है, तो हम उल्टी कर देते हैं, तो विरेचन का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टी करना। आपके यह चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जिसमें बताया गया विरेचन का अर्थ होता है उल्टी करना।
तो कहते हैं यहां विरेचन का क्या स्वरूप है? आपके शरीर जैसे है, जब हम बहुत कुछ विष वगैरह कभी खा लेते हैं, आप देखिए, अच्छा अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होकर, तब तो साहित्य ही रख लीजिए, बिल्कुल ठीक है साहिल जी। तो क्या कहते हैं यहां पर, जिस तरह से, आप अच्छे से कोशिश करिएगा समझने के लिए सभी लोग पूरे मनोभाव से, जिस तरह से कोई मनुष्य विष खा लेता है तो उसे चिकित्सा शास्त्र में क्या किया जाता है, उसे नमक और गर्म पानी, उसमें नमक डालकर गर्म पानी को खूब पिलाया जाता है जबरदस्ती, जिससे वह उल्टी कर दे, और उल्टी कर दे तो विष उसका सामने आ जाए, विष निकल जाए उसका, जो अवशोषित हो गया है रक्त में, जो चला गया है, जिसका अवशोषण हो गया है आपके पेट में, उसको तो भाई नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए भी कुछ दवाएं दी जाती हैं, लेकिन जो अभी आपकी आंत में है, जो आपके अभी पेट में है विष, जिसका पाचन नहीं हुआ है, उसके लिए गर्म पानी और नमक मिलाकर जबरदस्ती अधिक पिलाया जाता है, तो जिससे वह पीड़ित व्यक्ति उल्टियां करता है, उल्टी करता है खूब अधिक, और उसका विष निकल जाता है। इसी को चिकित्सा शास्त्र में विरेचन कहते हैं, विरेचन करना, विरेचन करना। और मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग जानते होंगे अरस्तु या अरस्तु, मनीष जी हाँ ठीक है। देखिए अब इस बातों को, अगर हम अरस्तु नहीं है उनका नाम, वैसे अरस्तु है जो हम लोग कहते हैं, मनीष जी समझे अच्छे से, अरस्तु है, लेकिन चूंकि यह अरिस्टोटल, अरस्तु इत्यादि इत्यादि कई नाम निकल कर आए हैं, तो अरस्तु ही हम कहें, अरस्तु नहीं कहें, अरस्तु ही कहें, ठीक है। तो दूसरा स्वरूप जो मैं आपको बताना चाहता था कि क्या आज आपके, एक तो यह हो गया विष पान के लिए, कभी कभी हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में समाज के गंदे विचार भर जाते हैं, कुटिल विचार आ जाते हैं, अश्लील विचार आ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, तो उनका भी अमूर्त रूप से विरेचन किया जाता है। अमूर्त रूप से विरेचन करने का तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि जिसको हम, जैसे विष जब पलटे तो विष तो दिखाई पड़ा, लेकिन मानसिक दशा को किसी हम जब निकाल कर फेंकते हैं, बाहर करते हैं, रेचन करते हैं उसका, तब वहां पर वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम अपने मन से कुछ बुराइयों को, कुछ ऐसी दशाओं को, कुछ अश्लील मनोविकारों को निकाल कर फेंकते हैं, तो यह भी विरेचन है, यह भी एक प्रकार का विरेचन है, जिसको आप जानते हैं, समझते हैं, करते हैं। ममता जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूं साहिल अरस्तु, हाँ तो आप ठीक है, उस पर नहीं विवाद करेंगे, कोई उसको पुस्तक पढ़ेंगे सब मिल जाएगा, आप कोई अरस्तु और अरस्तु के बारे में नहीं बोलेगा। मेन बातों को सुनिए, आप क्यों उधर बढ़ रहे हैं, ठीक है साहिल, पहली चीज तो आप ठीक है कोई बात नहीं। तो आप, दूसरी बात क्या है, कुछ पुस्तकों में अरस्तु मिल जाता, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है वह, लेकिन जो सामान्य और सर्वमान्य स्थिति में है अरस्तु ही है, उधर की बातों पर ना अपना मस्तिष्क ले जाइए, ठीक है राजीव, त्रासदी का सिद्धांत सुनिए, इधर उधर के कमेंट नहीं, काम भर का करिए। तो जो आप अपने कभी कभी हिमालय की कंदराओं में या अन्य अन्य योग साधना केंद्र पर भी आपके मन से बुराइयों को निकालना, खींचना एक प्रक्रिया करवाई जाती है, वह भी विरेचन होता है। एक तो विष निकालना और दूसरा अमूर्त विचारों को भी, जिसका रूप रंग आकार नहीं है, ऐसे विचारों को भी अपने मन मस्तिष्क से खींचकर निकालना भी एक प्रकार का विरेचन है। लेकिन अब बात होती है कि नहीं, विरेचन का सिद्धांत अरस्तु साहब ने क्या बताया है। अब सीधे टॉपिक पर आते हैं, अरस्तु साहब कहते हैं कि जो कवि होता है, जो काव्य कर्म करता है, जो रचनाकार होता है, वह क्या करता है, वह इस समाज में सारी चीजों को देखता रहता है, इस समाज में सारी चीजों को देखता रहता है, समझता रहता है, और जो चीजें वो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेता है, समाज की चीजों को, प्रकृति की चीजों को, इत्यादि इत्यादि चीजों को, वह इस समाज में घूम घूम कर देखता रहता है, इस प्रकृति में देखता रहता है,
और साहित्य के रूप में उन्हीं विचारों की पलटी कर देता है। पलटी कर देता है मतलब जो ग्रहण किया है इस समाज से उसको उठाकर लिपिबद्ध कर देता है, लिख देता है, चाहे वह काव्य हो चाहे गद्य हो, अर्थात चाहे वह कवि हो चाहे कोई रचनाकार हो, जो इस समाज में वह ग्रहण करता है, ग्रहण करता चाहे अमूर्त रूप में ही, अमूर्त रूप में ही ग्रहण करता है, वह मूर्त रूप में नहीं ग्रहण करता, भोजन नहीं है जिसको खाता है वह, तो जो भी इस समाज से ग्रहण करता है कवि वह रचनाकार, उसको अपनी पुस्तिका पर लिपिबद्ध कर देता है, लिख देता है। इसी को उल्टी का सिद्धांत अर्थात विरेचन का सिद्धांत कहा गया। एक बार उसने ग्रहण किया समाज के हाव भाव विचार को और दूसरी बार उसको पलट दिया, इसी को विरेचन सिद्धांत की संज्ञा दी गई। क्या सबको समझ में आया? आशा है कि सबको समझ में आया होगा विरेचन का सिद्धांत। अरस्तु साहब ने जो यह दिया सभी लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से आप हमसे बताइए, मैं आपको पुनः बताऊंगा, ठीक है? सभी लोग समझे? कोई नहीं बोलेगा, सब लोग नाराज हो गए, चलिए ठीक है। आशा है कि सबको समझ में आया होगा। श्वेता जी, विवेचन से मन और शरीर शुद्ध होता है। हाँ, विरेचन से बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंद्रजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, विरेचन से मन और शरीर दोनों शुद्ध होता है। मन और शरीर दोनों की शुद्धता आ जाती है विरेचन से, दोनों शरीर शुद्ध हो जाते हैं। और क्या, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, क्योंकि मैं ग्रहण जब कर लेता हूं तो यहां पर हमें भी पलटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कहते हैं जब कवि या रचनाकार समाज की कुछ चीजों को इस तरह से ग्रहण कर लेता है तो वह व्याकुल हो जाता है, लेखन करने के लिए वह छटपटाने लगता है, और जब लिख देता है तो उसका मन अर्थात विरेचन कर देता है, पलट देता है, लिपिबद्ध कर देता है, तो उसका मन शांत हो जाता है, वह अच्छा हो जाता है। हाँ सर, समझ में आ गया, लिखने लगे थे, अरे ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, आ गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है, सभी लोग समझ गए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला सिद्धांत मैं आपको बताता हूं, कल्पना का सिद्धांत। विरेचन के बाद कल्पना का सिद्धांत आता है। कल्पना का सिद्धांत किसका है? सभी लोग जानते हैं कल्पना का सिद्धांत किसका? कॉलरिज का। कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत किसका आ जाता है? कॉलरिज का। जिसको नहीं समझ में आया हो बिल्कुल निसंकोच लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी अगली बातों को भी लेकर चल रहे हैं, नहीं तो चीजें नहीं हो पाती हैं। नह पर हिंदी चैनल, जी सर, ठीक है, ठीक है, गरिमा जी जी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कल्पना का सिद्धांत किसका है? कॉलरिज महोदय ने कल्पना का सिद्धांत लिखा। तो कॉलरिज, कॉलरिज को देखेंगे आप यहां पर। यह कल्पना का सिद्धांत क्या है? कल्पना के सिद्धांत के अनुसार कॉलरिज महोदय कहते हैं कि लेखन किसी काव्य का, किसी विषय वस्तु का, किसी रचना का लेखन तब हो सकता है जब कवि अपनी कल्पना में खो जाए, जब कवि अपनी कल्पना को लेकर साकार हो जाए। यानी कि इसमें कहते हैं कॉलरिज महोदय कि कवि क्या करे, वह ऊंची पहाड़ी पर प्रकृति की गोद में, सौंदर्य की गोद में चला जाए और वहां बैठकर शांत मन से यदि लिखता है तो उसके द्वारा जो साहित्य या काव्य लिखा जाता है वही वास्तविक काव्य है। वह कल्पना करके जब चीजों को लिखता है यथार्थ की दुनिया से दूर हटकर, और कहीं ना कहीं अरस्तु साहब का जो आप विरेचन का सिद्धांत देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यथार्थ में ढूंढा हुआ है, यथार्थ से वह जुड़ा हुआ है। लेकिन यह कॉलेज का कल्पना का सिद्धांत यथार्थ में नहीं है, यह कल्पना में है। कहते हैं कि कल्पना की दुनिया में चले जाइए, एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर प्रकृति की गोद में, नदियों के किनारे, झरनों के किनारे, प्रकृति की गोद में जाकर आप बैठ जाइए। कभी यदि बैठ जाता है और जब वह लेखन कार्य करता है तो उसकी चीजें बनती हैं, तभी वह एक अच्छी कविता को, एक अच्छे भाव को, एक अच्छे विचार को लिख सकता है, कर सकता है। वेदन आकुल व्याकुल, ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। अमृत जी, समझ गया मैं, सभी लोग समझ पाए? सैमुअल टेलर कॉलरिज, वंदना जी, बहुत बढ़िया। अर्थात कॉलरिज जी का पूरा नाम क्या है? वंदना जी का कहना है और यही सत्य भी है, सैमुअल टेलर कॉलरिज।
बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। क्या, एक बार मैं पूरा नाम लिख देता हूं, आप यहां देख लीजिए अगर किसी को आवश्यक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये पूरा नाम है उनका, ठीक है। तो वंदना जी ने बिल्कुल सही कह दिया, कहती हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका पूरा नाम है, तो आप देख भी लिए इस बिंदु को, शायद सबको समझ में आया भी होगा, समझ में आया सबको, बहुत आसान सा स्वरूप है, ठीक है। चलिए अगले बिंदु पर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म बिंदु हैं, ये ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं। अगला हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, विखंडनवाद, विखंडनवाद, विखंडनवाद सिद्धांत किसने दिया इसकी बात करते हैं, जॉक डेरिडा ने दिया, अर्थात डेरिडा का दिया हुआ है यह सिद्धांत। विखंडनवाद किसका है, डेरिडा का, जॉक डेरिडा कहें या डेरिडा कहें, दोनों बातें एक ही हैं, इनका पूरा नाम जॉक डेरिडा, नहीं तो डेरिडा हम कहते हैं, विखंडनवाद। इस विखंडनवाद को देखें, अब विखंडनवाद का निर्माण कैसे हुआ है, अब आप यहां देखें, यह खंड शब्द है, खंड का अर्थ होता है, हाँ, बायोग्राफी लिटरेरिया, बिल्कुल पुस्तक का नाम है या, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का। हम अभी आपसे सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, हमने आपसे कहा कि जब पुस्तकों के, सिद्धांतों के, इत्यादि इत्यादि कई बातों की, क्या इनका मार्ग था, सब हम आपको जब पाश्चात्य पर चलेंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी आपकी एक समझ बन जाए, अभिव्यक्ति बन जाए, इसके लिए हम आपसे इतनी बातें कर रहे हैं। खंड शब्द है, इस खंड शब्द से खंडन शब्द का निर्माण हुआ है, आप देखें यहाँ पर, इस खंड शब्द से खंडन शब्द का निर्माण हुआ है, और फिर क्या हुआ है, यहाँ पर वी उपसर्ग लग गया है, वी खंडन, और कल्पना के सिद्धांत को फिर से, स्मृत जी बिल्कुल बताता हूं मैं, और फिर क्या है, या वाद है। चलिए कल्पना के सिद्धांत को एक बार राजीव रघुवंशी जी, जी सर जी, ठीक है, एक बार फिर से, चलिए कल्पना के सिद्धांत को एक बार फिर से आप देखें, नहीं नहीं बीच में नहीं बदलेंगे, हाँ चलिए। तो अगले बिंदु पर आप देखें यहां पर कि अगर आप कल्पना के सिद्धांत को कहते हैं, कल्पना का सिद्धांत कहा गया कि जो विरेचन का सिद्धांत, इस समाज की वास्तविकता को जो हम देखते हैं उसको जब व्याकुल हो जाते हैं देखकर, तो पलट देते हैं साहित्य काव्य के रूप में, लेकिन कल्पना का सिद्धांत कहता है कि नहीं, कल्पना को कहीं ना कहीं सौंदर्य से जोड़ा गया, तो कहते हैं कि नहीं, आप चले जाइए प्रकृति की गोद में, ऊंची पहाड़ी पर, पेड़ों की छाओं में, आप झरनों, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों के पास चले जाइए, और वहां पर पहुंचकर जब कुछ प्रकृति की कविताएं एक कल्पना के आधार पर आप लिखते हैं, तो इस प्रकार जो काव्य या गद्य लिखा जाता है, जो रचना लिखी जाती है, वह कल्पना के सिद्धांत के अंतर्गत मानी जाती है। शायद आपको समझ में आया होगा, यही कॉलरिज साहब का कहना है, ठीक है। वंदना जी, स्मृत जी ने कहा, हाँ, तो स्मृत जी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम पुनः विखंडनवाद पर, जॉक डेरिडा विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं, क्या कहते हैं, विखंडन खंड शब्द से बना हुआ, खंड मतलब होता है टुकड़ा, खंडन क्या है, यह एक प्रकार का क्रिया का रूप हो जाता है, विखंडन विशेष रूप से खंडन करना, वाद मतलब परंपरा। जैसे आप इस पेन को देखते हैं तो कहते हैं कि यह प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को, किसी पेन को आपने देखा तो आप कहते हैं प्लास्टिक है, लेकिन दूसरे स्थिति में आपने देखा, दूसरी स्थिति क्या कह दी, अब मैं विखंडनवाद की बात कर रहा हूं, विखंडनवाद को अच्छे से समझें कि क्या जॉक डेरिडा कहना चाहते हैं। दूसरी स्थिति में कोई कहता है कि नहीं, इसमें स्याही भरी हुई है, इसमें इंक भरी हुई है, कोई कहता है कि नहीं, आगे की तरफ ये पतली है, कोई कहता है इससे हम लिखते हैं, तो कई कई स्वरूप इसमें प्राप्त हुए, यानी कि किसी चीज के विशेषता खंडों में होती है, खंडों के माध्यम से। जैसे आप अपने फोन का प्रयोग करते हैं, आप अपने फोन का प्रयोग करते हैं, किसी ने कहा कि यह कैलकुलेटर है जिससे आप कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, किसी ने कहा नहीं यह उत्तम कोटि का कैमरा है, किसी ने कहा नहीं यह ऐसा कैमरा है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, किसी ने कहा नहीं ये स्कैनर है, कैम स्कैनर है फोन,
किसी ने कहा कि नहीं इसमें हम घड़ी देख सकते हैं या टाइम भी बताता है, किसी ने कहा कि नहीं इससे हम बात करते हैं, हम किसी से दूर रहकर बात कर लेते हैं, किसी ने कहा नहीं दूर ही नहीं रहकर बात करते हैं, हम इससे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जबकि सच्चाई क्या है, जितनी भी विशेषताएं हमने बताई आपको, ये सारी विशेषताएं इस फोन में आपके होती हैं। तो क्या जो लोग अलग अलग तरीके से देख रहे थे वो खंडों में इस फोन का दर्शन कर पाए, वो खंड खंड में टुकड़े टुकड़े में इस फोन का दर्शन कर पाए? कोई फोन से बात करना केवल समझता है, कोई उसको वीडियोग्राफी के रूप में समझता है, कोई रिकॉर्डिंग के रूप में, अच्छे कैमरे के रूप में समझता है, कोई उसको कैलकुलेटर के रूप में समझता है, कोई उसको कहता कि नहीं ये अच्छा एक प्रकार का संगणक है या कैम स्कैनर है, इत्यादि इत्यादि बातों को आप खंडों में उसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो क्या इसी को साहित्य में विखंडन कहा गया, और जब इस परंपरा पर लोग चलने लगे तो इसे विखंडनवाद कह दिया गया। शायद सबको समझ में आया होगा, फिर समझें आप। दरिदा साहब कहते, अब साहित्य के संदर्भ में, हाँ प्रियंका जी बिल्कुल, यूजीसी नेट में यह सिद्धांत है, थोड़ा विस्तृत बताएं। बिल्कुल मैं विस्तृत ही बता रहा हूं, इससे ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा, और मैं बहुत कोशिश करके आपको व्यवहारिक शब्दावली देकर बताता हूं कि आपको बहुत अच्छे से हर विद्यार्थी को हमारे समझ में आ जाए, चाहे वो यूजीसी का हो या हायर का हो या टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, कोई भी विद्यार्थी हो, मैं सबके लिए कोशिश करके बताता हूं। या आप लोग अपने दिल से पूछिए, अपने मन से पूछिए, आज के पहले चाहे वो भारतीय दर्शन पक्ष का कोई भी सिद्धांत या वाद या परंपरा रही हो, जो भी मैंने कल आपको बताया, क्या आपको इसके पहले इस तरह से समझ में आया? शायद समझ में आया रहा हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं समझ में आया, शायद, लेकिन समझ में आया रहा हो। पाश्चात्य को भी इस तरह से मैं बता रहा हूं, अभी जैसे आपने दोनों सिद्धांतों को देख लिया, दोनों सिद्धांतों को, हाँ बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, अंधों के लिए हाथी वाली कहानी जिस तरह से, उसको भी मैं बता रहा हूं जिस तरह से, बिल्कुल अभी मैं उस हाथी की कहानी से आपको बिल्कुल 100% तय कर देता हूं। आपने जैसे अभी आपने देखा कि नहीं, हम विरेचनवाद कल्पना को और इत्यादि सिद्धांतों को जिस तरह आपने देखा, क्या दोनों सिद्धांत आपको समझ में नहीं आए? लेकिन क्या आज के पहले आप केवल रटते थे? शायद केवल रटते थे, समझ में कम लोगों को आता था, या जिनको अच्छे तरीके से कभी स्नातक परास्नातक में पढ़ाया गया हो वो लोग समझ पाए होंगे। कोचिंग संस्थानों में तो मुझे लगता है कि शायद ही कभी आपको अच्छे से इस तरह से समझ में आया होगा। चूंकि मेरा अपना स्वांता सुख, मैं यहां कैमरे के सामने भी बैठकर यह महसूस कर लेता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं महसूस कर लेता हूं। मैं खुद उस समय अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं कि अगर मुझे समझना है तो मैंने जितनी चीजें बताई क्या वह मुझे समझ में आ सकती है? यदि मुझे नहीं समझ में आ सकती है तो शायद किसी को ना समझ में आए, इसलिए मैं उन चीजों को अपने आप को बीच में रखकर, अपने आप को केंद्र में रखकर मैं पुनः पुनः समझाने की कोशिश करता हूं, और अधिकतम कोशिश व्यवहारिक शब्दावली के माध्यम से होती है। शायद आपको समझ में आए, सबको नहीं आएगा तो पुनः पुनः आप बताएंगे, मैं पुनः पुनः बताऊंगा, चाहे 10 दिन इसी चैप्टर पर चला जाए लेकिन विषय आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। खैर छोड़िए उस विषय को, पुनः हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी कहा गया, एक तो उदाहरण यह हो गया फोन का मैंने दिया। अभी देखिए, अभी किसी ने लिखा अंधों वाली बात, अंधों का हाथी। इस समाज में वास्तव में जो वह कल्पना की गई थी वह कहीं ना कहीं विखंडनवाद का ही पोषक है, अंधों का हाथी। विखंडनवाद कहता है इस समाज के लोग अंधे हैं जो हर पक्ष को नहीं देख सकते, किसी एक पक्ष को देखते हैं और कहते हैं यह यही है, जबकि वास्तव में ऐसी सच्चाई नहीं है कि यह यही है, यह ऐसी सच्चाई नहीं है। जैसे अंधों के किसी एक गांव में जब हाथी जाता है, कोई उसके पांव को देखता है तो कहता है कि हाथी वह तो खंभे के समान है, कोई उसके कान को देखता है तो कहता है हाथी सूप के समान है, कोई उसके मस्तक को छूता है तो कहता है कि हाथी तो घड़े के समान है, कोई उसकी पूंछ को छूता है तो कहता हाथी यह झाड़ू के समान है, कोई उसको उसकी सूंड को देखता है कहता कि हाथी तो सांप के समान है, जबकि हाथी सब मिलाकर है। हाथी की वो सारी विशेषताएं हैं जो अलग अलग लोगों ने बताया, ठीक उसी प्रकार इस फोन की भी मैंने आपको विशेषता बताई। तो कहते हैं कि समाज की सच्चाई को लोग वास्तव में देख नहीं पाते हैं,
टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, जबकि उन सारी विशेषताओं से युक्त समाज की सच्चाई है जो काव्य में अवतरित होती है। क्यों इस मत को दिए? क्योंकि काव्य में यह अवतरित होती है, यह विचार काव्य में दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि यह समाज की छोटी छोटी जो चीजें हैं वह एक पक्ष है, सब मिलाकर ही चीजें एक साथ। जैसे पंखा है आपका, पंखा, यदि पंखे की बात करें आप, तो एक पंखा किनारे से हवा देता है, एक छत का पंखा होता है छत से होता है, लेकिन यही एक पंखा कूलर में हवा देता है, ठंडी हवा देता है, एसी में भी पंखा ही होता है, कोई दूसरी चीज नहीं होती है, पंखा होता है, वह पंख लगे होते हैं उसमें जो आपको ठंडी हवा देता है। कूलर में भी वही पंखा होता है, लेकिन उसी एग्जास्ट को उठाकर अगर आप अपने दीवार में लगा देते हैं तो वह तो भाई बाहर हवा निकालता है, फिर आपकी हवा को बाहर निकालता है। क्या वहां क्यों किसी को नहीं लगता है? लगता है वहां भी हवा किसी को। अगर आप वहां खड़े हो जाएं तो आपको निश्चित रूप से आपको वहां महसूस होगा, वहां भी हवा महसूस होगी, लेकिन हमने तो उसको हवा निकालने के लिए प्रयोग किया जो एग्जास्ट आप लगाते हैं, एग्जास्ट तो हवा निकालने के लिए हो गया। तो उसी पंखे को आपने कूलर में लगा दिया तो हवा वह दिया, ठंडी हवा दिया, लेकिन उसी का रूप कैसे बदल गया, खंड उसका कैसे दूसरा हो गया, वह हवा निकालने लगा, फिर बाहर करने लगा। तो इसी को उसके अलग अलग खंडों के प्रयोग को विखंडनवाद की संज्ञा दी गई। उसी तरह साहित्य में भी कहा गया, काव्य में भी कहा गया। विखंडनवाद के प्रवर्तक जो जॉक डेरिडा हैं, उन्होंने कहा, इस बात को बताया कि हम टुकड़ों में चीजों को देखते हैं, उसके संपूर्ण पक्ष को नहीं देखते हैं, उसका अलग अलग तरह से प्रयोग होता है, उसके संपूर्ण पक्ष को देखना चाहिए, उसके संपूर्ण पक्ष को समझना चाहिए। सबकी बातें क्लियर हुई संजीव जी? बिल्कुल। अगर किसी को आपकी क्लास में समझ कर ही पढ़ी हो, रट्टा मार के नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। बिल्कुल ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोग अपनी बहुत सफाई दें, मैं समझता हूँ। भाव यदि आपके बन जाते हैं, मेरा अपना विचार है कि यदि आपके भाव, वर्णमाला सर कभी कोई नहीं बताया, बबली जी, अरे वर्णमाला बबली जी आप छूट गई, मैं क्या करूँ, वर्णमाला मैंने 5-6 दिन बताया था, आप कहाँ रह गई थी? वर्णमाला तो आज भी वीडियोज पड़े होंगे आपके, आप उनको देखें, थोड़ा सा कोशिश करें, चीज़ें आपकी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एक दूसरा स्वरूप बताता हूँ, एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। राजीव जी आप इसको बाद में बात करिएगा, अभी जो विषय चल रहा है उसकी बात करिए, उसको आप बाद में, एडमिशन इत्यादि की बातें हमें 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप कभी भी करिए, वो सब बातें बाद में, अभी जो विषय चल रहा है उसी की बातें करेंगे हम लोग। चलिए, अब इस विखंडनवाद का एक विपरीत आता है जिसको कहते हैं संरचनावाद, ठीक है। चलिए इस संरचनावाद को देखिए, संरचनावाद, संरचनावाद इसको देखते हैं हम लोग, संरचनावाद क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हाँ सर, यदि एक लाइन में बताना हो तो क्या बताएंगे, ठीक है। विखंडनवाद आपसे यदि पूछा गया, मान लीजिए, बिल्कुल कीर्ति जी ने अच्छा पूछा कि सर मुझे आप तो इतना लंबा समझा दिए, क्या इतना मौका हमें बोर्ड में मिलेगा, क्या इतना हम बोल पाएंगे, शायद नहीं बोल पाए, तब हम क्या करें सर, आप ऐसी बातें हमें बता दिए, हम कैसे, हमारा बेड़ा पार होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ विखंडनवाद, आप बताएंगे। विखंडनवाद को जॉक डेरिडा ने कहा कि आज साहित्य में जो भी हम देखते हैं, काव्य में जो देखते हैं, वह किसी उस विषय का एक पक्ष होता है, संपूर्ण पक्ष नहीं होता है, क्योंकि हम उस विषय को केवल एक तरफ से ही देख पाते हैं, खंडों में देख पाते हैं, वह संपूर्ण दर्शन उसका नहीं होता है, यही विखंडनवाद है, ठीक है। बातें आपकी पक्की हुई कीर्ति जी, मैंने आपको परिभाषा भी बता दिया, ठीक है। चलिए खैर, संरचनावाद, संरचनावाद में कहा गया कि यह विखंडनवाद का उल्टा है। अच्छा सर स्कूल टाइम में, ठीक है बढ़िया। विखंडनवाद को कहा गया, संरचनावाद को कहा गया कि यह विखंडनवाद का उल्टा है,
कहते हैं कि जिस तरह से हम विखंडनवाद में चीजों को तोड़कर देखते हैं, संरचनावाद उसका विरोध करता है। संरचनावाद कहता है कि हमें जो रूप जिस रूप में दिखाई पड़ता है हम उसी का प्रयोग करते हैं, ना कि हम उसके अंदर जाकर बात करते हैं। विखंडनवाद कहता है कि यह पाठ केंद्रित होता है। पाठ केंद्रित, दो शब्दों को नोट कर लीजिएगा यहां संरचनावाद में, सॉरी संरचनावाद की मैं बात कर रहा हूं। संरचनावाद क्या होता है? पाठ केंद्रित होता है। पाठ केंद्रित यानी कि इसका यह कहना है, अच्छे से समझिएगा, मैं फिर आपको उदाहरण बताकर बता रहा हूं क्या कहता है संरचनावाद। कहता है यह पाठ केंद्रित होता है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, विखंडनवाद और संरचनावाद दोनों का स्वरूप है। जैसे मैं आपके बीच में हूं, या आप हैं, या कोई है, हरिशन जी सासी और, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूं, कोई है, उसका चरित्र कई कई तरह से, मैं आपके लिए अध्यापक हूं, मैं आपके लिए गुरु हूं, समझिए अच्छे से चीजों को। और जो संरचनावाद है वह कहता है कि आप केवल गुरु माने, मैं केवल गुरु ही गुरु हूं। खत्म होने वाला समय, अच्छा तब चलने दीजिए खत्म, ठीक है हम साक्षात्कार की कक्षा यहीं शामिल कर लेते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा तो आनंद नहीं आएगा, विषय का आनंद नहीं बचेगा, इसलिए मैं इसको पूरा करना चाहता हूं और इस कक्षा को आगे लेकर मैं रन कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं व्याकरण, दोनों कक्षाएं साक्षात्कार की और साहित्य की एक साथ में कर दे रहा हूं आज, फिर ये चीजें चूंकि समय कम हो जाता है तो मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता है, इसलिए हम समय बढ़ा दे रहे हैं आपका आज। आप लोगों के पास 3 लिंक गया होगा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमें साक्षात्कार वाला कल नहीं पढ़ाया गया, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं दोनों कक्षाओं को कभी कभी समय के लिए जब विषय आनंददायक होते हैं तो मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। चलिए खैर, जैसे अब मैं विखंडनवाद और संरचनावाद को दोनों एक साथ बता रहा हूं, आप सबके लिए मैं केवल गुरु हूं, सबके लिए, आपका भी एक समूह है, एक नहीं आपके साथ 200-300-400 लोग हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, तो वो क्या है, वो सभी लोग समूह हैं, एक समूह में हैं आप, तो सबके लिए हम गुरु हैं, तो सबके लिए गुरु हैं, तो यह संरचनावाद पाठ केंद्रित है, जो आपके सामने सम्मुख दिखाई पड़ रहा है तो वही पाठ केंद्रित है और मैं सबके लिए गुरु हूं। लेकिन अब विखंडनवाद क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लें। विखंडनवाद कहता है नहीं, आप किसी के लिए गुरु हैं, वह एक विद्यार्थी समूह के लिए गुरु हैं, लेकिन किसी के पुत्र हैं, किसी के नाती पोते हैं, किसी के आप पति हैं, किसी के बाप हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के दादा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, सबका संबंध है इस समाज में, है कि नहीं, आप बताइए इस चीज को, इससे उत्तम उदाहरण शायद मिलेगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो उनके साथ हमारा वैसा संबंध हो जाएगा, मैं किसी का पुत्र बन जाऊंगा, मैं किसी का भतीजा बन जाऊंगा, मैं किसी का चाचा बन जाऊंगा, मैं किसी का दादा बन जाऊंगा, लेकिन वो वहां पर है, वह हमारा विखंडन है, खंडों में दूसरा रूप है वह, लेकिन आपके समूह के लिए, आपके समूह के लिए मैं पूरी तरह से गुरु हूं। तो संरचनावाद कहता है कि पाठ केंद्रित है, जो हमें सामने दिखाई दे। सर ये किसने दिया है? अब बिल्कुल बिल्कुल ऊपर लिखा गया, बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब आपके कमेंट में चल रहा है। तो जो आपको सामने तुरंत दिखाई दे वह क्या है? वह कहता है संरचनावाद है। मैं आपके सामने गुरु के रूप में दिखाई पड़ रहा हूं, पाठ केंद्रित हूं, आत्म केंद्रित भाव से आप हमें देख रहे हैं, तो आपके लिए संरचनावाद के अंतर्गत मैं गुरु हूं, लेकिन हमारा संबंध अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य भी है, इसलिए हम विखंडनवाद का भी पोषण करते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का विपरीत बताया गया है। शायद बातें समझ में आई सबको, समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आई, एक बार बोल देंगे, अगर नहीं समझ में आई तो हम फिर इस चीज को समझा देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। अगला है अस्तित्ववाद, अगला बिंदु हम आपका ले सकते हैं, क्या है अस्तित्ववाद? सासुर जी, प्रतिभा जी, ठीक है, एक शब्द मैं पुनः आपको यहां बताना चाहता हूं, आप यहां ध्यान देंगे, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद, इसको देखें आप अच्छे से,
एक शब्द मैंने अपनी पहली कक्षा में छोड़ दिया था, उसको मैं पुनः बता देता हूं, उसको मैं पुनः आपको समझाता हूं। सह अस्तित्व, पहली कक्षा का जब मैं डॉक्टर निरंजन सर का, प्रोफेसर निरंजन सर का एक आलेख के माध्यम से आपको बताया था, उस निरंजन सर के लेख से, कि आपको ऑनलाइन शिक्षा क्यों आवश्यक है, ऑनलाइन शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या इसके गुण हैं, क्या दोष हैं, हर पक्ष पर मैंने चर्चा किया था। उस समय एक शब्द आया था सह अस्तित्व, तो उस शब्द की मैंने चर्चा, हाँ सास्योर भैया ठीक है आप नहीं है, क्यों परेशान हैं, वो तो हो गया, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, सास्योर हैं, ये मैं बता दिया आपको पहले ही, ठीक है। सह अस्तित्व, तो चलिए इस अस्तित्ववाद को और सह अस्तित्व को मैं आपको दोनों शब्दों को बताता हूं। सह का अर्थ सभी लोग अच्छे से समझेंगे, उस शब्द को पहली कक्षा के इस व्याख्या को मैं आपको बताता हूं। मामा नहीं तो काना मामा, सही, बिल्कुल सही आपने कहा भाई, जो कक्षीय कक्षा होती है, साक्षात कक्षा चलती है, वो आपकी मामा है, मामा से तात्पर्य बहुत प्रिय है, और जो ऑनलाइन कक्षा चल रही है काना मामा है, मतलब एक आंख नहीं है, एक ही आंख से आप देख सकते हैं, यानी कि वहां दोनों आंखों से क्यों देख सकते हैं, क्योंकि उसके सकारात्मक पक्ष हैं, आप हमसे खूब संवाद करते हैं, आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमारे मनोभाव को पढ़ लेते हैं, हम आपके मनोभाव को पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक आंख से देखते हैं, एक आंख दब जाती है, फूट जाती है हमारी, एक आंख अंधी हो जाती है, काना हो जाते हैं, यानी कि एक पक्षीय दर्शन होता है, यहाँ पर दो पक्षीय दर्शन नहीं होता है। पाठ केंद्रित दूसरा बिंदु क्या है सर, क्या दूसरा बिंदु नहीं समझ पा रहे हैं हरिश्चंद्र जी, पाठ केंद्र से यह तात्पर्य है कि आप जो विषय तुरंत देख रहे हो उस पर केंद्रित हो जाइए, वही मुख्य है, ठीक है। तो सह अस्तित्व, सह का अर्थ क्या हो गया, साथ। अब अस्तित्व शब्द क्या है, अस्तित्व शब्द आप देखे होंगे, अस धातु का एक रूप चलता है लट लकार एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, अस्ति अस्ता संति, अस अस्ता अस्त अस्म अस्व अस्म, इसको तो आप जानते होंगे, तो अस्ति है, और जब हमने इस पर भाववाचक संज्ञा बना दी तो इसको कह दिया सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, आप देखिए यहां पर सह अस्तित्व, इतना ही, वाद की अभी नहीं बात कर रहे हैं, अस्तित्व सह अस्तित्व, तो सह अस्तित्व मैंने केवल यहां पर त्व प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया, और देखिए अस्त शब्द है मूलतः, अस्त मतलब है, अस्त का अर्थ क्या हो गया है भाई, अस धातु को, यही तो हम लोग करते थे ना, अस धातु को जब हम लकार में इसको प्रयोग करते थे तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यही तो स्वरूप चलता था, लट लकार का स्वरूप तो यही चलता था, पाठ केंद्रित था। तो दूसरा बिंदु क्या है सर, दूसरा बिंदु विखंडनवाद से जुड़ा हुआ है, कहते हैं दूसरा बिंदु उसका दूसरा पक्ष पूर्णता विखंडनवाद है, मैं समझ गया संरचना केंद्र का पाठ केंद्रित है, लेकिन विखंडनवाद जो कहता है नहीं, उसके परोक्ष पक्षों को भी लेकर चला जाता है, कई कई रूपों को, यानी कि एक मनुष्य के अंदर कई रूपों को आप देख सकते हैं, लेकिन विखंडनवाद कहता है कि आप कई कई रूपों को देखें, संरचनावाद कहता है कि नहीं, तुरंत जो हमें रूप दिखाई पड़ रहा है यही आप माने, दूसरा रूप मत जाइए, यानी कि मेरा दूसरे के साथ क्या रिश्ता है उसको भूल जाइए, आप केवल आपके साथ जो रिश्ता है उसको याद रखिए, ठीक है। सह अस्तित्व, साथ अस्तित्व, साथ अस्ति होना, सह अस्तित्व साथ होना किसमें, वहां पर किसी विषय के अंतर्गत मैंने बताया था कि विद्यार्थियों का कक्षा में गुरु के साथ अपने सह अस्तित्व का भाव होता है, साथ होने का भाव होता है, तो यही चीज है अस्तित्ववाद। अब अस्तित्ववाद को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, कैसे आप समझें यहां पर चीजों को, इस शब्द को देखें आप, यहां पर मैंने कहा आपसे अस्ति, अस्ति मतलब है, त्वा अस्तित्ववाद, यह अस्तित्ववाद को भारत में, इंटरव्यू की क्लास कब चलना है, हाँ सोनी प्रजापति जी, सोनी जी हम दोनों कक्षाओं को, बिल्कुल ये इंटरव्यू और साहित्य दोनों के लिए उपयोगी था, इसलिए दोनों कक्षाओं को आज हम पुनः एक साथ मर्ज कर दिए हैं, दोनों कक्षाएं आपकी एक साथ फिर चल रही हैं, ठीक है,
तो आप दोनों कक्षाओं का आनंद एक साथ लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, संरचनावाद के दो बिंदु, ऐसा कुछ तो विशेष नहीं है, ठीक है। संरचनावाद में एक पाठ केंद्रित होता है, और दूसरा कहते हैं दूसरा पक्ष विखंडनवाद का जो विरोध करता है वह है, ठीक है, ठीक है, और कुछ ऐसा विशेष नहीं है। हाँ, तो अस्तित्ववाद की बात करते हैं, तो अस्तिधनत्वाद, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद को भारत में नकार दिया गया, भारत में इसका खूब विरोध किया गया, हिंदुस्तान में इस अस्तित्ववाद को लागू नहीं किया गया, कहा गया कि यह अस्तित्ववाद स्वार्थ का एक विचार है, लेकिन विदेशों में खूब फला फूला यह अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद कहता है, वैसे तो विकास का एक माध्यम है अस्तित्ववाद, अस्ति मतलब हैं, हम हैं, इस भाव को जन्म देने के लिए, अपने आप के विकास के लिए जो वाद आया, जो परंपरा आई, वह सबसे महत्वपूर्ण रही निश्चित रूप से, लेकिन इसका दूसरा पक्ष बड़ा नकारात्मक था। जैसे आप एक चिकित्सक हैं तो आप केवल चिकित्सा कर्म करिए, समाज के नाते रिश्ते भाव को तोड़ दीजिए, समाज के अन्य भाव को, अन्य रिश्तों को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप चिकित्सक हैं, यही अस्तित्ववाद है, उस चिकित्सक के धर्म को अपनाइए, करिए। आप अस्तित्ववाद और क्या कहता है, अस्तित्ववाद कहता है कि इस समाज के जितने भी नाते रिश्ते हैं, जब आप नौकरी पा जाएं तो जो निरर्थक लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, निरर्थक लोग जिनसे आपका व्यक्तिगत तुरंत स्वार्थ नहीं है, माता पिता, घर वाले, सबको छोड़ दीजिए, सब किनारे हो जाते हैं। और पाश्चात्य में, अर्थात यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, ये इसलिए खूब फला फूला। आप वहां देखिए, माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, बच्चों को डॉर्मेट्री में छोड़ देते हैं, या किसी आवासीय विद्यालय में छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा छोड़ देते हैं, अपने जीवन से नहीं समझौता करते हैं, विवाहोपरांत दो वर्ष के लिए कहीं चले जाते हैं, कई कई कार्य करते हैं वो लोग, वहां पर धन कमाए तो केवल अपना सुख दुख वहां देखते हैं। तो इसी को क्या कहा गया, अस्तित्ववाद, सबको सारे रिश्ते नाते छोड़ देना। और कहते हैं कि यहां पर जितने रिश्ते नाते रखोगे, अस्तित्ववाद क्या कहता है कि आप जितने रिश्ते नाते रखोगे उतने ही आपके भाव और धन का खर्च बढ़ जाएगा। कहते हैं यदि आप माता पिता, भाई बहन, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब रखेंगे, उनके यहां आएंगे जाएंगे, तो आपका धन उधर खर्च होगा, आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे आज महानगरीय जीवन है, महानगरीय जीवन में पड़ोस में, आपके बगल वाले फ्लैट में, अपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उससे हमें नहीं मतलब होता है, उससे हमें मतलब नहीं होता है, कभी नहीं मतलब होता है। हम अपने जीवन में अपने एक फ्लैट में मस्त रहते हैं, अपने कमरे में, जैसा कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े महानगरों में कोई मर जाता है, लाशें उसकी एक महीने बाद जब खूब बदबू उठी तो पता चलता है, इत्यादि इत्यादि बातें निकलकर सामने आती हैं। तो वहां पर क्या है, तो वहां पर अस्तित्ववाद का पोषण है, अस्तित्ववाद को वहां लेकर चला गया। लेकिन आपके यहां क्या है, गांव की दशा को या छोटे शहरों की दशा को देख लीजिए, पड़ोसी के यहाँ दो मोटरसाइकिल आ गई, कोई एक कार आके खड़ी हो गई, तो जब तक नहीं पता कर लेंगे तब तक नहीं रहा जाएगा, क्यों आई है, क्या बात है, कैसे है, क्या काम है, पता नहीं क्या चक्कर है। डाकिया यदि डाक लेकर कोई एक चिट्ठी या कोई एक अंतर्देशी या कुछ भी ऐसा लेकर चला आए कि भाई डाकिया क्यों आया था, क्या काम था, गाँव की तो कुछ ऐसी ही दशा है। तो यहाँ पर अस्तित्ववाद का नहीं स्वरूप है, और वहां पर आप कार नहीं, कुछ भी ले लो, हवाई जहाज से आओ जाओ, पड़ोसी नहीं पूछता है महानगरों में, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, क्या स्वरूप आपका, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो यह अस्तित्ववाद है, यही वाद ही सही। अरे विपिन कुमार, विद्यार्थियों के लिए यही वाद ही, हाँ, वास्तव में जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं, दो चार छह महीने एक वर्ष के लिए, वास्तव में अस्तित्ववाद के पोषक हो जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं विपिन जी, अस्तित्ववाद के लिए, अगर अस्तित्ववाद के पोषक आप अच्छे से हो गए तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आपके बहुत नजदीक हो जाएगा। तो यह कहता है क्या, रिश्तों का विरोध करो,
नातों का विरोध करो, परोपकार मत करो। परोपकार क्या होता है? परोपकार करोगे तो आपका धन जाएगा। अस्तित्ववाद क्या कहता है? परोपकार का विरोध करता है। लेकिन भारत में क्या इसके बिना हम रह सकते हैं? भारत क्या है? भारत कहता है कि आज तुम कर रहे हो, हिंदुस्तान हमारा किसका पोषक है, कहता आज तुम कर रहे हो, तुम मजबूत हो, तुम सबल हो, तुम धनवान हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम शक्तिवान हो, आज कर रहे हो तो कल तुम भी शक्तिवान नहीं रहोगे, सामर्थ्यवान नहीं रहोगे, धनवान नहीं रहोगे। तुम्हारा तभी कोई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन अस्तित्ववाद इसका विरोध करता है। क्या बातें आप तक की समझ में आई सबको? सबको आशा है कि समझ में आया होगा अस्तित्ववाद। सभी लोग समझ पाए कि नहीं? ठीक है, कोशिश है कि सभी लोग समझ पाए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोगों को बताएं आप लोग एक बार, तभी हम आगे बढ़ें। आप अगर जिस बिंदु को नहीं अच्छे से समझते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अस्तित्ववाद क्या कहता है? और क्या, अस्तित्ववाद परासत्ता का विरोध करता है। परासत्ता मतलब दूसरी सत्ता। जब कहते हैं आप भगवान से तो डरो, हम भारत में क्या कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, अरे ना यहाँ के मानों से डरो, भगवान से तो डरो, भगवान डरा, भगवान से तो आप सुरक्षित रहो, क्यों गलत काम करते हो। लेकिन अस्तित्ववाद क्या कहता है? परासत्ता का विरोध करता है। कहता कि नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं है। आज जो आप यहां पर कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, यही सब कुछ है। और मैं आपको एक स्वरूप और कहता हूं, जो कहते हैं अरे जो भाग्य में होगा वह मिलेगा, एक बिंदु और यहां पर समझिए, मुझे अभी याद आ गया, देखिए नीचे जो कहता है ईश्वर मर गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप इसको समझिए अच्छे से। सभी लोग एक बार फिर से जोर देकर, हाँ और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मैं जरूर बताता हूं कीर्ति जी, सभी लोग अच्छे से एक बार समझिए। और अभी याद आया, यह परासत्ता का विरोध करता है, नियतिवाद का विरोध करता है। नियतिवाद मतलब भाग्यवाद का विरोध करता है। अस्तित्ववाद कहता है कि आप जो कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान भला करेगा, भगवान कोई नहीं है। अस्तित्ववाद किन्हीं संदर्भों में अच्छा भी है। अस्तित्ववाद कहता है कि अपना कर्म स्वयं करो, अपना कर्म स्वयं करो। यदि आप नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, अपने काम को तुरंत नहीं करते हैं, तो ईश्वर कभी भला करने वाला नहीं है। अस्तित्ववाद का यह सकारात्मक पक्ष था। नीचे के बारे में जो आप जानते हैं, नीचे कहता है कि ईश्वर मर गया। क्या आप जानते हैं क्यों मर गया? शायद इतना ही लोग सुनकर चुप हो जाते हैं कि ईश्वर मर गया, नीचे ऐसा कह दिया कि ईश्वर मर गया, ईश्वर नहीं है। नीचे ने इसलिए कहा कि जो कहते हैं कि अरे भगवान भरोसे रहेंगे, भगवान देगा, ईश्वर पेट भरेगा, ईश्वर ने मुंह दिया है तो पेट भरेगा, ये तय है, ऐसा आप जो बार बार कहते हैं, उस संदर्भ में नीचे ने कहा कि ईश्वर मर गया, अब ईश्वर नहीं है। ईश्वर के बल पर आप अपना पेट नहीं भर सकते हैं, ईश्वर नहीं भरेगा आपका पेट, आपको खुद ही, अहम ही अस्तित्व है सर जी। हाँ बिल्कुल, अहम ही अस्तित्व है, लेकिन अहम एक नकारात्मक होता है, अस्तित्व सकारात्मक है। अहमवाद एक अहंकार का स्वरूप आ जाता है, अस्तित्व क्या है? सकारात्मक है, ठीक है। तो दूसरा बिंदु क्या है इसमें? नीचे ने कहा कि ईश्वर मर गया। ईश्वर जो मर गया, जो नीचे ने कहा, उसका मात्र इतना मतलब था कि ईश्वर के भरोसे मत रहिए, आप अपने नियतिवाद के भरोसे मत रहिए। नियतिवाद से आपको भोजन नहीं मिलने वाला है, आपका विकास नहीं होगा, ईश्वर आपका सब कुछ नहीं करेगा, आप करेंगे तब ईश्वर करेगा, तब आपको मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता है। तो अस्तित्ववाद कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अच्छा है। तो आप इस स्वरूप को भी जानिए, समझिए, देखिए। अगर आप इस बिंदु को इस तरह से नहीं करते हैं तो चीजें नहीं स्थापित हो पाएंगे। चलिए अगले बिंदु पर हम बढ़ते हैं, आपके उदात्तवाद। उदात्त, उदात्तवाद, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और कैसा, दैव दैव आलसी पुकारे। हाँ, अब आप चाहे इसको एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं, हर्ष ओ जो आधा दा है उसको पूरे दा के रूप में, और पूरे दा को आधा, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखें।
अब इसको आप समझिए थोड़ा सा, उदात्त का अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ उदात्त का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अनुदात्त, आप देखिए कि इसका आप एक विलोम पढ़ते हैं, उदात्त का आपसे पूछा जाता है विलोम पढ़ते हैं तो अनुदात्त कहते हैं, अनुदात्त। तो यह कैसे निर्मित हुआ, यह भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अनुदात्त में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो कुछ विद्यार्थी तो बिना देखे कह देते हैं अनु लगा हुआ है। नहीं, जब आप इसके तो कोई वाद के जनक नहीं सर, प्लीज बता दिया करें। ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है जरूर मैं चर्चा करता हूँ। तो अनुदात्त अनुधन उदात्त कतई नहीं है, आप इसके स्वरूप को देखें यहां पर अनधन उदात्त है, अनधन उदात्त है, उदात्त है, इसके स्वरूप को देखें आप। उदात्तवाद जो है, वैसे उदात्त इस स्वरूप को आप, हाँ लोंगेनोश ठीक है मैं बता देता हूं अभी, जब आप इस स्वरूप को देखते हैं तो ऐसा भी स्वरूप और इसका एक स्वरूप और मिलता है। अगर किसी के दिमाग में भ्रम है तो मैं उसके स्वरूप को बताता हूँ, यह उदात्त भी कहा गया, ऐसा भी स्वरूप मिलता है, बल्कि हिंदी में अब इसी तरह मिलने लगता है, अब संस्कृत में इस स्वरूप को छोड़ दिया गया है, तो अब आप इसको इसी रूप में उदात्त ही देखते हैं। ठीक है, तो यह उदात्त है। अनुधन उदात्त, यह अनु यदि आप कहते हैं तो गलत है, अनधन उदात्त से यह अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो हर बिंदु के लिए यह उपयोगी है, अनु नहीं अन कहेंगे, इसको जान लीजिए। अनधन उदात्त है तो ना पर देखिए हलंत है, इसलिए ऊ की मात्रा यहाँ पर आकर सीधे लग जाती है मात्रात्मक रूप में, इसलिए हम अनधन उदात्त कहते हैं। तो उदात्त का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अनुदात्त का अर्थ जो श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात क्या है, जो गड़बड़ है, जो गलत है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुदात्त कहते हैं। तो अब आप इस स्वरूप को देखिए, क्या स्वरूप है उदात्त और अनुदात्त का, इस बिंदु को अच्छे से समझिए चीजों को। उदात्त कहता है श्रेष्ठ, हाँ अन बिल्कुल अन उपसर्ग है, इस चीज को जानिए आप सभी लोग, नहीं तो दिक्कतें, यह व्याकरण की आपकी कक्षा समझ लीजिए, एक दो प्रश्न आपके हो गए, चूंकि दो प्रश्न तीन प्रश्न यहां मिल गए। उदात्त, उदात्त का विलोम क्या है? अनुदात्त, अनुदात्त का विलोम क्या है? उदात्त है। अनुदात्त का अर्थ क्या, अनुदात्त में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु नहीं अन उपसर्ग लगा है, अनधनुदात्त है। दूसरा बिंदु क्या है, अनुदात्त का अर्थ क्या होता है? जो श्रेष्ठ नहीं है। उदात्त का अर्थ क्या होता है? जो श्रेष्ठ है। ऐसे ऐसे बिंदु आपके होते हैं। तो उदात्तवाद क्या कहता है? उदात्तवाद कहता है जो श्रेष्ठ है, उदात्तवाद क्या कहता है? जो श्रेष्ठ है, अर्थात जो श्रेष्ठ है उसी को काव्य में रखिए, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको हमें काव्य में नहीं रखना है, श्रेष्ठ चीजों को ही काव्य में रखा जाए। तो अब देखिए दूसरी चीज क्या है, जो इस उदात्त का प्रोतक सारण कीकेरगाद, हाँ कीरकेगाद मनीषी, या ठीक है बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यह क्या है? कीरकेगाद है। देखें आप यहां पर कीरकेगाद, ठीक है, यह कीरकेगाद है, ठीक है कीरकेगाद ऐसा लिखे, सॉरेन सॉरेन है, वैसे तो सॉरेन है, ठीक है सॉरेन कीरकेगाद, ठीक है ऐसा करेंगे। हाँ ठीक है, मैं कहीं कहीं मिस कर जा रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं बाई चांस कोई कौन प्रवर्तक है कैसे क्या है, तो कुछ विद्यार्थी भी लिख दे रहे हैं, ठीक है वहाँ से समझिए आप, वह तो आपको हर जगह मिल जाता है, उनको हम उस तरह से नहीं आपको बताने की हमारी कोशिश है, लेकिन जो कोशिश है उसको जरूर समझिए आप अच्छे से। तो उदात्तवाद कहता है भारतीय साहित्य इसका बहुत बड़ा पोषक है, भारतीय साहित्य क्या है इसका बहुत बड़ा पोषक है, किसका? उदात्तवाद का। भारतीय साहित्य, साहित्य हो या सिनेमा, दोनों चीजें, सिनेमा भी साहित्य का ही एक अंग है, कहता है श्रेष्ठ चीजों को ग्रहण करिए, साहित्य में श्लील चीजों को लीजिए, श्लील चीजों को, श्लील विषय को साहित्य में उठाया जाता है, या कहता है कि श्लील चीजों को साहित्य में उठाया जाए, श्लील को कतई नहीं रखा जाए, उदात्त को रखा जाए, अनुदात्त को कतई न रखा जाए साहित्य में, या हाँ उत्तर संरचना ठीक है बताते हैं,
उत्तर संरचना उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो साहित्य में श्लील या अच्छी चीजों को ही रखा जाए, जो श्लील है, जो गलत है, जो विरोधी है, जिस चीजों से हमें नकारात्मक तत्व प्राप्त होंगे, साहित्य में उनका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेरक चीजें, अच्छी चीजें हमेशा रखनी चाहिए। साहित्य का विषय सदैव उत्तम हो, उत्तमोत्तम होना चाहिए साहित्य का विषय, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य हो, कोई भी विषय हो, साहित्य का विषय सदैव उत्तम हो, प्रेरक हो, अच्छा हो। जो अश्लील है वह कभी उदात्त का पोषक नहीं होता। उदात्त गुण जिसमें नहीं है, अनुदात्त हो गया, तो जो श्लील है, अश्लील है, वह उदात्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि श्लील और उत्तम विषय ही उदात्त की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो ऐसे विषय को लेकर ही आगे बढ़ना और करना चाहिए। ये बिंदु हैं कुछ आपके, जिसको आपको तय करना है। और कहते हैं शिक्षा के लिए तो विशेष रूप से, यदि आप शिक्षा के दृष्टि से बात कर रहे हैं, शिक्षा की इत्यादि में, तो नकारात्मक साहित्य बहुत गलत है। अभी आप देख लीजिए, मैंने जो कहा कि भारत में इसका सबसे अधिक पोषण होता है, पाश्चात्य साहित्य को, पाश्चात्य उपन्यासों को या हॉलीवुड की फिल्मों को आप उनको देख लीजिए, उसमें अश्लील दृश्य को बखूबी दिखा दिया जाता है, खूब अच्छे से, और उसका विरोध भी नहीं करते हैं। आप पाश्चात्य देशों के पहनावे को आप देख लीजिए, वहाँ के पहनावे भी अजीबोगरीब होते हैं। आप वहाँ के स्वरूप को देख लीजिए, रहन सहन खान पान को देख लीजिए, अजीबोगरीब है। तो आपके यहाँ क्या है, श्रेष्ठ चीज़ों को, किससे हमारा कैसा रिश्ता है, क्या हमारा खान पान होना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमें किस तरीके से किससे मिलना है, क्या बातें करनी है, इत्यादि इत्यादि पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह भारत जो है, यह उदात्तवाद का विशेष रूप से पोषक होता है, उदात्तवाद को लेकर चलता है, और उदात्तवाद के पोषण से ही यह आगे बढ़ा हुआ है। तो ऐसे बिंदुओं को भी लेकर चलते हैं उदात्तवाद में। तो आशा है कि सबको समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, गरिमा जी का एक प्रश्न आ रहा है कि सर उत्तर संरचनावाद बता दीजिए। चलिए, जो उत्तर संरचनावाद है, संरचनावाद तो आपने देखा अभी पूरी तरह से, पूरे भाव को आपने देखा। उत्तर संरचनावाद के बारे में समय भी हो गया है, शायद पूरा भी ना हो पाए। समझ में आ गया सर, ठीक है राजीव जी। उत्तर संरचनावाद कल देखिए, आज समय हो चुका है, पूरी चीज़ें हो भी नहीं पाएंगी आपकी। और मैं चाहता हूँ बस एक पॉइंट यही, उत्तर संरचनावाद आपका बच रहा है, उसको मैं आप कल बताकर आपके साहित्य और साक्षात्कार की कक्षाएं फिर अलग अलग आपकी दोनों चलने लगेंगी। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करें, कल हम लोग पुनः ठीक समयानुसार, नहीं इतना ही नहीं करेंगे, अभी व्याकरण की कक्षा में 2 से 4 मिनट पर आ रहे हैं, मतलब इतना कहने से तात्पर्य आज के लिए बस इतने, इसमें साहित्य में और आपके साक्षात्कार में इतना ही करते हैं। कल हम लोग इस बिंदु को लेकर चलेंगे, आज अभी 2 से 4 मिनट के अंतराल के पश्चात व्याकरण की कक्षा में, पर्याय की कक्षा में हम उपस्थित हो रहे हैं। आज हम पर्याय समाप्त करके आपके कुछ अन्य टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।